हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा की कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आलू का एक नया नाश्ता बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमने थोड़े आलू ले लिए हैं और उसको हम पहले कद्दूकस करके उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसको हम बिना देरी किए हुए आप इसमें पानी डालिए और डालने के बाद आपको और उसको तीन पानी में अच्छी तरीके से धो लीजिए, जबकि जो उसका स्टार्च होता है या सफ़ेद पानी होता है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, तब तक आप उसको धो लीजिए। और धोने के बाद आपको इसको बहुत ही सिंपल सा इसमें सिर्फ नमक डालना है और नमक डाल के इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देना है मिला के इसको। जो इसका नमक है उसकी वजह से ये जो आलू है ना, ये कच्चा है तो ये पानी छोड़ने लगता है, तो पहले से हम इसमें नमक मिला के रख देंगे तो इसका जो पानी है वो एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम हाथ से इस तरीके से निचोड़ देंगे। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें एक पिंच नमक और डालेंगे। आप इसमें नमक, इसमें पहले से ही नमक थोड़ा है, आप इसमें थोड़ा सा कम ही नमक डालिए या फिर आप टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक सही है तो आप इसमें मत डालिए। और इसमें एक पिंच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद ही तुरंत ही हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से अच्छी चारों तरफ फैला लेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें हम जो हमने आलू का आलू को कच्चे आलू को मिक्स करके कॉर्नफ्लोर में रखा था उसको हम इसमें फैला देंगे। तो इस तरीके से हम इसको फैलाएंगे। अगर आप इसको और पतला फैलाना चाहते हैं तो और पतला, अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप इसको और पतला फैलाइए। तो इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे और इसको ढक के इसको पकाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसको चेक करते रहेंगे। तो ये जो आलू है ये पतला होता है तो ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो मैंने इसको देखा था, मैंने एक बार यूट्यूब पे इस तरीके से इसको बनाना, तो मेरा मन था कि मैं भी एक बार इसको ट्राई करूँ, देखते हैं कैसा लगता है खाने में। वैसे तो मैं इसको पहली बार ट्राई कर रही हूँ। इसके पकौड़े अच्छे लगते हैं खाने में, इसको मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर आपको बनाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो रेसिपी है ये कुछ खास पसंद आई नहीं। खाने में तो थोड़ा सा ठीक ही था, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ था। इसको पलटना बड़ा ही मुश्किल था। इसको हमने पहले इसको एक प्लेट पर निकाल लिया, उसके बाद इसको हमने इस तरीके से पलट लिया था। तो देखिए, इसको आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से भी लगाना होगा और लगा के इसको पलट के फिर से उसी तरीके से ढक के पका लीजिए। ये बनाना भी उतना खास मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप इसको इसकी जगह आप इसको छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तल लीजिए तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में, ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। पता नहीं मेरा पैन तली से छोड़ नहीं रहा था कि इसकी वजह से या फिर कैसे, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा बनाने में, लेकिन हाँ खाने में थोड़ा सा ठीक ठाक था। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आलू का, कच्चे आलू का जो ये नाश्ता, नया नाश्ता है, ये बनके तैयार हो गया है। आप इसको इस तरीके से सॉस के साथ खा सकते हैं। ये खाने में ठीक ही लग रहा था, लेकिन मुझे आपको मेरे चैनल पे इसकी पकौड़े की रेसिपी है, आप उसको ज़रूर ट्राई करिए, वो ज़्यादा खाने में टेस्टी है।